भगवान श्री कृष्ण की यह बात सच है कि आज तक कर्म फल से कोई नहीं बच पाया है। कर्म आपका दिखने में तो बुरा हो सकता है, परंतु अगर आपका उद्देश्य और आपकी नियत सच्ची है तो फल भी आपको सच्चा और अच्छा ही मिलेगा। जिन कर्मों का फल वर्तमान में नहीं मिलता, उसे भोगने के लिए वह आत्मा नया शरीर धारण करती है और अपने नए जन्म में अपना फल भोगती है। इसे ही कहते हैं कर्म का फल। इसी कर्म सिद्धांत को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, एक राजा राज्य करता था। वह राजा एक दिन अपनी जन्मपत्री देख रहा था। देखते देखते उस राजा को ख्याल आया कि जिस समय मेरा जन्म हुआ होगा, उस समय कितने मनुष्यों का जन्म हुआ होगा, लेकिन वह सभी मेरी तरह राजा क्यों नहीं बने। राजा हर दिन हर समय इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगा रहता था, लेकिन उन्हें इसका उत्तर नहीं मिल पाता है। अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए राजा अपने राज्य में महान बुद्धिमान व्यक्तियों को बुलाते हैं। राज्य में सभी बुद्धिमान व्यक्ति एकत्रित होते हैं। वह सभी यह सोच रहे होते हैं कि राजा ने उन्हें यह क्यों बुलाया है। राजा सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जिस समय मेरा जन्म हुआ, उसी क्षण में और कितने भी व्यक्तियों का जन्म हुआ होगा, तो उन सब व्यक्तियों में से मैं ही क्यों राजा बना, वह सभी राजा क्यों नहीं बने। सभी महान बुद्धिमान इस प्रश्न के लिए गहन सोच विचार करने लगे। वह सभी गहन सोच विचार करने के बाद वह उनके प्रश्न का उत्तर न दे सके। राज्य में एक बुजुर्ग बुद्धिमान व्यक्ति भी बैठे हुए थे। वह कुछ देर बाद बोले कि इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक महान साधु देंगे जो कई वर्षों से एक घने वन में तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर राजा अगले दिन अपने सैनिकों के साथ उस जंगल की ओर निकल गया। कुछ दूर पहुंचते ही राजा को वहां एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। जब राजा उस कुटिया के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक साधु वहां बैठा आग के अंगारे खा रहा है। यह देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने हिम्मत करके उनसे कहा कि हे साधु, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मेरे जन्म वाले दिन कितने मनुष्यों का जन्म हुआ है, उन सभी में से मैं ही क्यों राजा बना। साधु यह प्रश्न सुनकर बोले कि हे राजन, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। कुछ आगे चलकर तुम्हें एक और साधु मिलेंगे, वही तुम्हें इसका उत्तर दे सकते हैं। यह सुनकर राजा दूसरे साधु की तलाश में आगे निकल गया। कुछ आगे चलते ही राजा को साधु दिखाई देता है और वह साधु मिट्टी खा रहा होता है। यह देखकर राजा हैरान रह जाता है। फिर उस वक्त राजा हिम्मत करके अपना प्रश्न साधु से पूछता है। फिर साधु क्रोधित होकर बोलता है कि तुम जल्दी यहां से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। परंतु वह साधु उसे एक बच्चे के बारे में बताता है और कहता है कि तुम उसके पास जाओ, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। तो राजा उस बच्चे की तलाश में आगे जाने लगता है। ढूंढते ढूंढते वह राजा एक गांव में जा पहुंचा। राजा को कुछ समय बाद वह बच्चा मिल गया। वह बहुत ही बीमार था। राजा ने उस बच्चे से अपना प्रश्न पूछा और बच्चा बोला कि राजन, हम पिछले जन्म में चार भाई थे। एक बार हम चारों भाई किसी जंगल में भटक गए थे और हमें वहां कई दिन हो गए थे। हमारे पास केवल जरा सा आटा था और उसकी हमने रोटियां बना ली थी। जैसे ही हम वह खाने लगते हैं, हमारे पास एक बाबा आते हैं। वह बाबा बहुत भूखे थे, वह हमसे भोजन मांगते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा भाई बोला कि यदि हमने आपको यह भोजन दे दिया तो हम क्या अंगारे खाएंगे। दूसरा भाई बोला कि अगर हमने भोजन दे दिया तो क्या हम मिट्टी खाएंगे। अब जब मेरी बारी आई तो मैंने भी रोटियां देने से मना कर दिया। परंतु राजन, तुम बहुत दयालु थे, तुमने अपने हिस्से का भोजन उस बाबा को देकर उसका पेट भरा और तुम्हारे इस पुण्य के कारण तुम इस जन्म में राजा बने। रास्ते में जो तुम्हें अंगारे खाते हुए और मिट्टी खाते हुए साधु मिले थे, वह दोनों तुम्हारे भाई थे। तुम्हारा तीसरा भाई मैं हूं जो इस समय मौत के मुंह में हूं। हे राजन, इसी प्रकार हम सभी भाइयों को अपनी अपनी करनी का फल मिला है। राजा को यह सुनकर अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। मित्रों, एक समय की बात है, एक प्रतापी राजा था। उसने अपने राजमहल में ब्राह्मणों के भोजन का आयोजन किया और यह आयोजन उसने अपने बाग बगीचे वाले स्थान पर रखा था, इसलिए रसोईया भी उसी स्थान पर जाकर भोजन पका रहा था। उसी समय आकाश से एक चील आया। उस चील ने अपने मुंह में एक सर्प को दबाया हुआ था और जब वो चील उस बगीचे के ऊपर से जा रहा था, उस समय उस सांप ने उस चील को डसने की कोशिश करी,
जिसके कारण जहर की कुछ बूंदें उस बर्तन में गिर गई जिसमें ब्राह्मणों के लिए भोजन पकाया जा रहा था। लेकिन उस समय उस रसोइये को इस बात का पता नहीं चला, उसे बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ कि जहर की बूंदें इस बर्तन में गिर गई हैं। फलस्वरूप वो सारा भोजन जहरीला हो गया और यह भोजन ब्राह्मणों ने खा लिया। तो जहरीला भोजन करने के कारण सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई, और एक साथ इतने ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाना कोई अच्छी बात नहीं थी, और यह तो घोर पाप हुआ। अब भगवान के सामने यह सवाल उठा कि इस पाप की सजा किसको दी जाए। उस राजा को जिसने इस भोजन का आयोजन किया था, लेकिन उसे तो पता भी नहीं था कि भोजन में जहर है, या उस रसोइये को जिसने वो भोजन बनाया था, परंतु वो भी इस बात से अनजान था कि यह भोजन जहरीला हो चुका है। तो क्या सजा उस चील को दी जाए जो उस सर्प को लेकर वहां से निकला, और या फिर सजा उस सांप को दी जाए जिसने आत्मरक्षा के लिए उस जहर को उगला। तो यह बहुत ही असमंजस की स्थिति बन गई कि आखिर इतने महाघोर पाप की सजा किसको दी जाए। तो इस कर्म की सजा के लिए काफी दिन बीत गए। फिर एक दिन कुछ ब्राह्मण उस नगर में आए और उन्होंने एक महिला से राजमहल का पता पूछा। उस महिला ने राजमहल का पता बता दिया, लेकिन पता बताने के बाद उस महिला ने उन ब्राह्मणों से कहा कि आप जा तो रहे हैं राजमहल, लेकिन थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि ये जो राजा है ये ब्राह्मणों को भोजन में जहर मिलाकर दे देता है। उस महिला के इतना कहते ही भगवान ने कहा कि इस कर्म के फल का अधिकारी मुझे मिल गया है। तो सभी ने भगवान से पूछा कि वो कौन है। तो भगवान ने कहा कि इस महिला को इस कर्म की सजा दे दी जाए। तब सभी आश्चर्यचकित हो गए और वो बोले कि वो महिला तो उस समय वहां मौजूद भी नहीं थी, ना उसने जहर मिलाया, ना उसने भोजन पकाया, और ना ही उसने उन ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर इसकी सजा उसे क्यों दे रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि किसी भी कर्म का आनंद जो सबसे ज्यादा लेता है उसी को उसका फल भुगतना होता है। इस पूरे कर्म में ना रसोइये को आनंद की अनुभूति हुई, ना राजा को आनंद की अनुभूति हुई, ना सर्प को हुई और उस चील को हुई। लेकिन इस घटना से सबसे ज्यादा आनंद और सबसे ज्यादा रस इस महिला को ही मिला है, इसलिए इस कर्म की सजा इसे भी भुगतनी होगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्म के फल को समझना इतना आसान नहीं है। हमारे शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम करते हैं वो तो हमारे कर्म होते ही हैं, लेकिन जो हमारी किसी के प्रति भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। साथियों, मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भगवद गीता के कर्मफल के इस वीडियो को देखने का मन बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। साथियों, मेरा खुद का अनुभव कहता है कि अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस कर्मफल की बात को पूरा अंत तक सुने। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाए, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से मिलती है उसी प्रकार इस ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी। एक ऋषि ने युगों युगों तक एक साथ तपस्या की। उन्होंने अच्छा कर्म किया था ना? उनका राजा के रूप में पुनर्जन्म हुआ। उन्हें चार पुत्रों और एक समृद्ध राज्य का आशीर्वाद मिला। हालांकि उसने अनजाने में एक गरीब बच्चे को मार डाला और बच्चे के अंधे माता पिता ने उसे श्राप दिया। माता पिता का दुख इतना प्रबल था कि राजा अपने पुत्रों के लिए रोते रहे और महल में अकेले ही मर गए। आप कहानी जानते हैं, है ना? श्रवण कुमार की हत्या राजा दशरथ ने कर दी थी। दशरथ के कर्म इतने अच्छे थे कि वे भगवान राम के पिता बने। फिर भी क्या वह अपने किए हुए एक बुरे कर्म से बच सके? क्या कर्म दूसरे कर्म के प्रभाव को खत्म कर देता है? मित्रों, कृष्ण के मार्ग, भक्ति या वैराग्य का अनुसरण करें, केवल वही आपको अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के प्रभाव से मुक्त करेगा। वरना सुख और दुख जीवन का अभिन्न अंग है। आपके लगाव के कारण ही कई जिंदगियों में दुख और सुख आते रहते हैं। शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी आपके काम होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है, और जो बुरे कर्म होते हैं
उन्हें पाप कहा जाता है। पुराणों में कई अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में तो यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए कौन कौन सी अलग सजाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने दृष्टि में जो सबसे मोटा पाप है वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उस समय समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे मोटा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और शाप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। कर्म का शाब्दिक अर्थ यह कुछ को कमजोर और कुछ को मजबूत बनाता है, यह कुछ को अमीर और कुछ को गरीब बनाता है। संसार में जितने भी संघर्ष हैं, चाहे वे कुछ भी हों, कर्म के बंधन हैं। अच्छी या बुरी चीजें कर्म के आधार पर होती हैं। जब समय अच्छा हो तो दुश्मन भी दोस्त जैसा व्यवहार करते हैं और समय की अपनी भूमिका होती है, तो यह आपकी नींद, आपके मन की शांति छीन लेगा और यह आपके स्वास्थ्य को नष्ट कर देगा। मन में कोई बात चुभेगी। जब कोई बात मन को चुभती रहती है तो आप कुछ भी रचनात्मक नहीं कर पाते और दुखी हो जाते हैं। आपको दूसरों को धोखा क्यों नहीं देना चाहिए? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई आपको धोखा दे, है ना? जो कुछ भी आप किसी के साथ करते हैं वह आपके पास वापस आता है। यही कर्म सिद्धांत है, बहुत सरल। जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो आप उनके अच्छे कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं, और जब आप किसी को दोष देते हैं तो आप उनके बुरे कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं। जब आप कोई मिठाई तैयार करते हैं, यदि खाना पकाने से पहले चीनी या घी बहुत कम है तो आप और डाल सकते हैं। यदि कोई अन्य घटक बहुत अधिक है तो इसे समायोजित और मरम्मत किया जा सकता है, लेकिन एक बार पक जाने के बाद इसे उल्टा नहीं किया जा सकता। दूध मीठा दही या खट्टा दही बन सकता है और खट्टा दही मीठा किया जा सकता है, लेकिन दोनों में से किसी को भी दूध का दूध नहीं बनाया जा सकता। कर्म का अर्थ है कि आपने स्वेच्छा से कार्य किया है। अच्छा बोगे तो अच्छा काटोगे, और इसके विपरीत भी जो कारण और प्रभाव के सार्वभौमिक रूप से ज्ञात सिद्धांत के अनुरूप है। अच्छे इरादों के साथ अच्छे कर्म अर्जित करते हैं और बुरे इरादों के साथ बुरे कर्म अर्जित करते हैं। बुरे इरादों के साथ अच्छे कर्म, दायित्व से बाहर कुछ करना लेकिन ऐसा करने का मन नहीं है, अच्छे कर्म अर्जित कर सकते हैं लेकिन कोई बुरा कर्म भी नहीं। एक राजा महान धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने एक बार ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण महान सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना और ना ही कोई मांग करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न था। उसने राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजार दिए। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहां एक बेटा पैदा हुआ। राजा ने उसे महान विद्वान बनाया और मोटा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ करा दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाए, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद न आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात वाली एक तलवार रखी हुई है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान में से बाहर निकाली, तब तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई। वह डर के मारे उसके हाथ से तलवार छूट गई और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया? मेरे पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई, आप तो जानते ही हैं।
परंतु मैं किसी को भी यह सच नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी न करेगा। सुबह जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू किया और इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। इतनी देर में सारे लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने मारा है? वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा है, इसमें ईश्वर साक्षी है, बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं। ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुनता था, कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु बहुतों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राणदंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूं। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जान उस देश को त्याग कर चला गया। वहां वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उससे पूछूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उनके घर पर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माताजी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहां गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य असह्य दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। बाद में वे अपनी गद्दी पर आ बैठे। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है? जो किसी से भी नहीं सहा जाता और आप सहन कर लेते हैं, इसका कारण क्या है? ब्राह्मण की बात सुनकर ज्योतिषी ने कहा, यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, संबंधी, जो कुछ भी है, सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है, और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्, नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिस्तेरपि। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है, वह अवश्य ही भोगना होता है। बिना भोगे तो सभी जन्मों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूं और अपनी स्त्री की शिकायत भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल भोगना बाकी ना रहे। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज, आपने क्या कर्म किया था? ज्योतिषी ने कहा, सुनिए, पूर्व जन्म में मैं कौआ था और मेरी स्त्री गद्दी थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बड़ी दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बहुत दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर इसे ज्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसकी परेशानी देखकर मैं बहुत खुश होता था। मेरे डर के कारण यह सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। यह जहां मिले वहीं इसे दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर यह गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे सघन वन में हरा हरा घास खाकर और मेरी छोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बहुत प्रयत्न किया, मगर न निकली। पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ देगा, ऐसा सोचकर यह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच निकाल ना पाया। आखिर में यह घने प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं महान भारी ज्योतिषी बना। अब वही मेरी स्त्री हुई,
जो मेरे मरण पर्यंत अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूंगा, इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह किए हुए कर्मों का ही फल है, इसलिए मैं शांत रहता हूं। तब ज्योतिषी ने कहा कि सब अपने कर्मों का ही बोलते हैं। तब ज्योतिषी ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी क्या समस्या है? ब्राह्मण ने अपना सब समाचार कहानी सुनाई और पूछा, अधर्मी पापी, राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। तब ब्राह्मण ने कहा, किस प्रकार? तब ज्योतिषी महाराज ने बताया कि पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गौ थी तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गौ को मारने लगा तब गौ बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय आई थी क्या? आपने प्रण कर रखा था कि झूठ नहीं बोलूंगा। अतः जिस तरफ गौ गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा किया तो उस कसाई ने जाकर गौ को मार डाला। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था। इतने में ही उस जंगल से शेर आया और गौ एवं कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही उनकी हड्डियां उसमें बह गईं। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गौ को राजकन्या का जन्म मिला एवं पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गौ को हंसिए से मारा था। इसी कारण राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा रूप कर्म किया था उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया है। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं, ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो। कर्म फल का भोग टलता नहीं, कितना सहज है ज्ञान संयुक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो पूर्वकृत घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए भी हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की समता बनाए रखने में सफल होंगे। भगवान श्री कृष्ण इस समत्व के अभ्यास को ही समत्व योग संबोधित करते हैं कि जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता ही है और वो होता ही रहेगा। इसीलिए दोस्तों, किसी के भी बुरे कर्मों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार या तो स्वर्ग में जाता है या नरक में। नरक के बारे में पुराणों में लिखा है कि नरक कई प्रकार के होते हैं, जिनके अंदर पापी मनुष्य की आत्मा को कई तरह की यातनाएं मिलती हैं। मित्रों, हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत, हमें एक दिन उसका फल भोगना ही होता है। जिंदगी अगर हंसाए तो समझ लीजिए कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जिंदगी अगर रुलाए तो समझ लीजिए यह भी आपके कोई बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। कर्म तो हम सभी करते हैं, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और अगर अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो बुरा फल ही मिलेगा। यह जो कर्म हम करते हैं, अच्छे या बुरे, ये हमें कभी भूलते नहीं हैं। हमें इनका फल आज नहीं तो कल जरूर मिलना होता है। लेकिन कई बार जब हमें बहुत दुख मिल रहे होते हैं तब हम बोलते हैं कि हमने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया, हमने तो किसी का कभी बुरा किया ही नहीं, फिर हमें क्यों इतने दुख मिल रहे हैं? लेकिन दोस्तों, हमने कर्म किए जरूर होते हैं। अगर इस जन्म में नहीं किए तो पुराने जन्म में किए होंगे, और पुराने जन्म का तो हमें याद नहीं होता ना। क्योंकि हम इंसानों से तो चालाकियां और छल कर सकते हैं, लेकिन उस भगवान से नहीं। कर्मों का सिद्धांत बहुत ही सरल है। जैसा आप किसी को दोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। तो अपने मन से फैसला कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। तो अगर आप इस ब्रह्मांड को सकारात्मक ऊर्जा दोगे तो आपको भी सकारात्मक ऊर्जा ही मिलेगी। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचें, क्या मैं यह सही कर रहा हूं? अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच ले तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो सजा से भी बचा लिया। आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक ना एक दिन भगवान अवश्य सजा देगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म हो हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य ही भोगना होता है। भगवान के न्याय में देर भले ही हो जाए मगर अंधेर हो ही नहीं सकता। जिसको आप देर समझते हैं वह देर भी नहीं है। भगवान ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी।
प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज्यादा गहरा है कि हरेक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता। आज जो कर्म हम कर रहे हैं, परिपक्व होकर उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही हैं, और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल अवश्य ही भोगना होगा। इस समय हम जो दुख सुख भुगत रहे हैं, यह हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म के हमारे किए गए पुण्यों या बुरे कर्मों के पापों का फल है। प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान यह है कि हमारे कर्म, विचार और भावना के अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होगी, और वह सुख या दुख हमें खुद को ही भोगना होगा। मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा, इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं, उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं, तब पाप की बारी आती है। पाप का फल भोगना ही होता है। इस जन्म में भोगना पड़े या जन्मांतर में, इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है, उसकी थोड़े में ही शुबुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बहुत ही भयंकर दंड भोगना होता है। मगर सत्संग दंड को कम करा सकता है, या फिर कुछ प्रसाद के रूप में भी दे सकता है। अपने दुखों को हंस हंस के झेलो या रोकर झेलो, ये हमारे कर्मों का फल तो हमें अवश्य ही मिलेगा। फिर रोकर क्यों झेले? रोने से कष्ट दुगना हो जाता है और हंसते हंसते रहने से आधा हो जाता है। जिस दिन पाप कर्म हो जाए तो अगले दिन उपवास रखो, यह एक उत्तम कर्म भूमि है। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म नहीं करोगे तो पाप छड़ेगा। जैसा कार्य कर्म होगा, वैसा ही फल भी भोगना पड़ेगा। फिर दुष्कर्म क्यों करें? प्रत्येक कर्म प्रभु को याद करके करेंगे, तभी अच्छे फल ही भोगेंगे। धन, दौलत, सुयश, खुशियां, सफलताएं, सुखी परिवार रोना हमारे कर्मों का फल है, और तकलीफ, दुख, बीमारी, आफत, दुखी परिवार, रोना हमारे ही बुरे कर्मों का फल है। भूतकाल में हमने जो किया था, उसका फल हमें अब मिल रहा है। भूतकाल में हम जो भोग चुके हैं या हो सकता है इस जन्म में भोगेंगे। श्री कृष्ण ने समझाया कि भीष्म पितामह सुख दुख से जय, पराजय से परे है। वो जानते हैं कि जो होने वाला था यही हुआ। भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, मैंने ध्यान करके अपने कई जन्म को देखा, मैंने तो कोई कुकर्म नहीं किया, फिर मैं बाणों की शैया पर क्यों सोया? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे संयम मूर्ति भीष्म, जब आप किशोर थे तब वन में घूमने गए, वहां पत्ते पर बैठी टिड्डी के शरीर में आपने कांटा चुभोया था, उस कर्म का फल घूमते घूमते अब मिल रहा है। कर्म का फल 6 साल में दुगुना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना, 24 साल में 16 गुना इस प्रकार मिलता है। इसलिए जब आप कर्ता होकर कर्म कर रहे हैं तो सोचे लें कि इसका क्या फल होगा। धृतराष्ट्र ने भी श्री कृष्ण से अपने कर्मों का हिसाब किताब पूछा, मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मुझे अपने 100 बेटों की मृत्यु का शोक मिला? मैंने भी अपने 100 जन्मों तक पीछे देखा है कृष्ण, लेकिन ऐसा कोई कर्म मैंने नहीं किया। श्री कृष्ण ने अपने योग बल से धृतराष्ट्र ने देखा कि ये एक राजा थे और वो स्वादिष्ट व्यंजनों में खोए रहते थे। बिना विचार किए जो सामने आ जाता खा लेते, इनाम भी दिया करते थे। एक दिन रसोइये ने हंस के 100 बच्चों का मांस बनाकर एक एक करके राजा को खिला दिया। श्री कृष्ण ने कहा, धृतराष्ट्र जी, आप स्वाद में अंधे हो गए, तभी आप इस जन्म में अंधे बने। तुम्हारे पुण्यों के प्रभाव से 100 जन्म तक तो तुम्हें फल नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में हंस के 100 बच्चों को खाने का फल तुम्हें मिल गया, तभी तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। सोचो, साथ में क्या लाएं और क्या लेकर जाएंगे? मनुष्य को ऐसी कमाई इकट्ठी करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए, और मृत्यु के बाद उसे हम साथ में भी ले जा सके, और हमारे ही काम और अगले जन्म में भी हमारे ही काम आ सके। और सभी जानते हैं कि हम खाली हाथ नंगे इस संसार में आए और खाली हाथ ही जाना होगा। मृत्यु के समय यह धन, दौलत, जमीन, मकान, व्यापार, नौकरी, नाम, शोहरत, रिश्तेदार, भाई, बहन, माँ, बाप, सभी बच्चे किसी को भी साथ नहीं ले जा सकते। चाहे राजा सम्राट हो या कोई भिखारी हो, इसलिए इतना मोह, इतना ज्यादा लगाव इनसे क्यों रखें? साथ में हमारे साथ जाएंगे सिर्फ हमारे अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर्म, कीर्ति या अपकीर्ति, दान धर्म, परोपकार, दुखियों की सेवा, पुण्य, जो भी हम इस जन्म में करेंगे यह अवश्य साथ जाएगा और हमारे ही काम आएगा। हमें प्रत्येक दिन, जब भी हमारा मन शांत हो, आंखें बंद करके
दो चार मिनट यह सोचना अवश्य चाहिए कि हम इतने ज्यादा अपने आप को क्यों बांधे हुए हैं। यह व्यस्त जिंदगी, तनाव, मोह, उसमें उलझे हुए क्यों है और किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हमें बुरा लगता है यह दूसरे को कभी मत दो, जैसे कि बुरी बात, गाली, गुस्सा, बेइज्जती, असम्मान, अपमान, गला या खोट वाला खाने का पीने का सामान इत्यादि। जो चीजें हमें अच्छी लगती है वह दूसरों को, जरूरतमंद को बिना मांगे भी दो, जैसे कि आम, लक्ष्मी, मिठी बातें, अच्छा व्यवहार, सम्मान, खाने पीने के अच्छे अच्छे बढ़िया सामान दोनों हाथों से बांटो, लूटा दो, परोपकार करो, दान धर्म करो। संतों ने कहा भी है, जो कुछ तुम समेटते हो यह तो सपना है, जो लुटा रहे हो यह केवल अपना है, इसलिए जितना लुटाओगे वो ही तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे काम आएगा। सिर्फ यह बात याद रखो कि संसार की किसी भी वस्तु से मनुष्य का स्थायी संबंध नहीं है। यह शरीर, मकान, रुपये, पैसे, जमीन जायदाद, स्त्री, पुत्र, परिवार, बांधव, मित्र, दोस्त, कोई भी साथ रहने वाला नहीं है। एक दिन इन सब वस्तुओं को ज्यों का त्यों छोड़कर यहां से चल देना है। जब जाएंगे तब साथ में कुछ भी ले नहीं जाएंगे, सिर्फ भगवान का साथ छूटने वाला नहीं है। साथ में एक छोटा सा तिल भी नहीं ले जा सकते, आप कितने भी उपाय कर लो, सारे उपाय यहीं धरे रह जाएंगे। ये जो अपना शरीर है वो भी यही रह जाएगा। सिर्फ भगवान, नारायण, प्रभु की भक्ति, दुखियों की सेवा, दान, पुण्य साथ में अवश्य जाएगा। साथ में जो जाएगा वही तो अपना हुआ, साथ में जो नहीं ले सकते वे सब पराया हुआ। जीते जी उन पराई वस्तुएं से मोह क्यों रखें? आप गंभीरता से जरूर विचार करें। साथ में एक तिल भी नहीं ले जाने पाएंगे तो फिर अशांति, हाय हाय, छीना झपटी, क्यों, किसके लिए? भगवान का हुक्म है, हर कार्य प्रभु के निमित्त समझकर फल प्रभु पर त्याग दो, वो कभी बुरा करेंगे ही नहीं, तो सोचो फिर दुख क्यों करें? दुख सुख भी एक सोच के कारण ही तो है। दुख को भी सुख मानो, प्रभु सुख ही सुख कर देंगे। यदि मोक्ष की इच्छा है तो विषयों को विष के समान दूर से ही त्याग दे और संतोष, दया, सरलता, अमृत के समान नित्य आदर पूर्वक सेवन करे। मित्रों, एक बार की बात है, एक साधु एक गांव में हर रोज भिक्षा मांगने जाता था। जिस घर में भी जाता कोई आटा, दाल या चावल कुछ भी दे देता और वह अपना इस तरह से पेट भर लेता था। उसी गांव में एक व्यक्ति उसको हर रोज भिक्षा मांगने पर गोबर डाल देता और यह कहकर डांट देता कि भगवान ने हाथ पैर दे रखे हैं, कुछ काम करके खा ले। वह साधु चुपचाप गोबर लेकर आ जाता और एक तरफ ढेर लगा देता। ऐसे करते करते उस गोबर से बहुत मोटा ढेर बन गया। साधु हर रोज भिक्षा मांगने जाता, वह आदमी हर रोज ही उसको गोबर डाल देता और गांव के लोग खाना देते। ऐसे करते करते दोनों का समय बीत गया और जब दोनों अपनी जीवन यात्रा पूरी कर भगवान के घर पहुंचे तो गोबर डालने वाले इंसान को खाने में भगवान के घर गोबर मिला तो उसने कहा, भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं गोबर कैसे खा सकता हूं? भगवान ने कहा कि जब साधु तेरे घर भिक्षा मांगने जाता था, जिसका भिक्षा मांगने के सिवाय कोई चारा नहीं था, तो आप उसको भिक्षा में गोबर देते थे। वही गोबर का ढेर अब इतना मोटा हो गया कि आपके खाने के हिस्से में अब गोबर भी आएगा। तो उस मनुष्य ने भगवान के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, भगवान, मैं गोबर नहीं खा सकता, कृपया इस समस्या का कोई समाधान बताओ। भगवान ने कहा, कर्मों का फल अवश्य ही भोगना होता है। अब वो इंसान प्रभु के आगे रोए और गिड़गिड़ाए, कृपया करके इस समस्या का कोई समाधान हो तो बताओ। भगवान बोले, इस सारे गोबर को आप हर रोज एक कपड़े में डालकर पानी के साथ धोते रहो, इस प्रकार आपके कर्म कट जाएंगे। ऐसे करते करते उसको गोबर को धोने में कम से कम एक साल का समय लगा और सबसे लास्ट में गोबर का जो आखिरी अशम, भूस और घास का कुछ हिस्सा ऊपर रह गया, तो भगवान बोले, अब आपको यह हिस्सा तो खाना ही पड़ेगा। वह इंसान फिर रोया और कहा कि मैं इसको कैसे खाऊं? प्रभु ने कहा, किसी के बुरे कर्मों को मैं कम कर सकता हूं पर बिल्कुल खत्म नहीं कर सकता हूं, इसलिए आपको यह तो खाना ही होगा। भगवान ने उसे समझाया कि आप गोबर खाने से बच गए, अगर आप उसको ना धोते तो वह सारा गोबर आपको खाना होता। फिर उसने वो गोबर का कचरा खाया। इसी प्रकार जब हम जमीन में कोई फल का पौधा लगाते हैं तो उसको उगने में और मोटा होने में समय लगता है और फिर कहीं साल दो साल बाद मोटा होता है, फिर उस पर फल लगते हैं, क्योंकि किसी भी कर्म का फल एक दिन में नहीं मिलता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कर्म कौन सा कर रहे हो। फल मिलने में समय जरूर लगेगा, पर मिलेगा जरूर, यही समय और परमात्मा का नियम है।
कि हमारे द्वारा किए गए हर कर्म का सुख और दुख हमारे कर्मों के ऊपर ही निर्भर करता है। हमें सुख और दुख अपने द्वारा किए गए कर्म का हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं। कर्मों का फल हमें अवश्य ही भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए जब हम किसी को दान देते हैं तो सोच समझ कर कर दें, क्योंकि एक दिन हमें वह डबल होकर मिलेगा। इसी प्रकार हर काम करते समय भी ध्यान रहे थे कि हम कौन सा काम सही कर रहे हैं, कौन सा गलत हो रहा है। इसलिए कभी भी भूलकर भी किसी की आत्मा ना दुखाए, जितना हो सके अपनी तरफ से अच्छा ही करें, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है। और हर कर्म परमात्मा के लिए वैसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों से कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे ज्यादा मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे ज्यादा मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। जीवन की सबसे महंगी चीज है। आपका वर्तमान जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम हासिल नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है। वह भूत की बातों को सोचकर परेशान होता रहता है। वह मौत से डरने लगता है। वह ना तो अपने जीवन को सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं, ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा, और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। कान्हा कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को मैं ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे वर्तमान में अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हारा आने वाला कल मैं जरूर उजागर करूंगा। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह वही देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र रास्ता है। हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसीलिए उसका नाम परमात्मा है। कर्मों के फल का वीडियो देख के अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।